जिसमें लमानी क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तक हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड एल्फ़ा फ्रॉम द गिवन कोप्लेनर वैक्टर्स हमें ये थ्री वेक्टर्स दिए हुए हमने एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो वैक्टर्स हैं कोप्लनर हैं हमने कल भी क्वेश्चन किया था Uh, उसमें भी हमने कंडीशन यूज़ की थी अगर ये वेक्टर्स जो है को प्लेनर है तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए वही कंडीशन हम इसमें यूज़ करेंगे इनको हम ले लेते हैं यू वी और डब्ल्यू लेट यू वेक्टर है ये फर्स्ट वाला ले लें आई माइनस टू एल्फा जे माइनस के वी वेक्टर इज आई माइनस जे प्लस टू के और ये जो थर्ड वाला वेक्टर है इसको हम डब्ल्यू कह लेते हैं एल्फा आई माइनस टू जे प्लस के अब सिंस यू वी एन डब्ल्यू आर कोप्लेनर सो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू शुड भी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये कोप्लेनर होने की कंडीशन है कल भी हमने क्वेश्चन में प्रूव किया था ये कोप्लनर है तो हमने उसकी ये ट्रिपल प्रोडक्ट ली थी इसमें यहाँ पर क्रॉस लगा लें यहाँ पर डॉट लगा लें या यहाँ पर डॉट लगा के क्रॉस लगा लें इसका सेम ही मीनिंग है ठीक है इससे आंसर चेंज नहीं होगा और ये जो वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम डिटर्मिनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ इन दीज वैक्टर्स इनके हम कॉफिशेंट्स लगा लेंगे वन नेगेटिव टू एल्फा और नेगेटिव वन ठीक है दूसरा वाला वन माइनस वन नेगेटिव वन प्लस टू थर्ड वन एल्फा नेगेटिव टू एंड वन ठीक है इसका हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना है डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है ठीक है उसी मेथड से हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे बाकी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसी तरह से हम रो वाइज़ या कॉलम वाइज़ अपनी मर्जी से हम इसको जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को सिम्पलीफाई करते हैं सबसे पहले वन हम लिख लेते हैं और डिटर्मिनेंट आ जाएगा ठीक है नेगेटिव वन को मल्टी मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ आप बेहतर है कि ये लिख लेंगे ये, ये स्किप करके ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम इनका डिटर्मिनेंट ठीक है मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ माइनस ये टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टू ठीक है दूसरा आपने जो है वो माइनस लगा के लगाना है और ये है नेगेटिव टू एल्फ़ा ये हम ये करेंगे ये हमने रो और ये कॉलम और ये रो स्किप करनी है ये मल्टीप्लाई होगा वन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय वन माइनस लगाएंगे और अल्फा मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव टू मल्टीप्लाई बाय अल्फा और थर्ड वन हमने फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और अगेन ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव वन एज़ इट इज़ लगाएंगे और ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे वन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टू फिर माइनस लगाएंगे नेगेटिव वन मल्टीप्लाई बाय एल्फ़ा इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है वन है माइनस नेगेटिव वन प्लस फोर प्लस टू एल्फ़ा नेक्स्ट वन इज़ वन माइनस टू एल्फ़ा और यहाँ पे आ जाएगा ये ठीक है प्लस है इसकी वजह से माइनस इज़ आ जाएगा नेगेटिव टू प्लस एल्फा इसको हमने ओपन कर लेना है ये वन के साथ है थ्री उसके बाद टू एल्फ़ा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टू एल्फ़ा और ये माइनस फोर एल्फ़ा स्केयर आ जाएगा यहाँ पे टू है ठीक है और ये टू और टू फोर और ये अल्फा और अल्फा अल्फा का स्केयर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव वन बनकर जब माइनस अल्फा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट हम निकालें डायरेक्टली स्टार्ट से इक्वल टू ज़ीरो लगा लें या हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें एंड पे हम लगाएं एंड पे चलें लिख लेते हैं ये है थ्री प्लस टू एल्फ़ा माइनस फोर एल्फ़ा स्केयर प्लस टू माइनस एल्फ़ा अब इसमें सबसे पहले एल्फ़ा स्केयर वाली वैल्यू जो कि माइनस फोर एल्फा स्केर है एल्फ़ा वाली जो है ये दोनों टर्म्स हैं टू एल्फ़ा है प्लस uh, पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये वन पास प्लस एल्फ़ा आ जाएगा और हमारे पास टू और थ्री ये एड होंगे तो ये प्लस फाइव आ जाएंगे ठीक अब कहेंगे सेंस यू डॉट u dot v cross w is equal to zero implies that negative four alpha square plus alpha plus five is equal to zero. इस इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई करना है तो यहाँ से एल्फ़ा की टू वैल्यूज़ आएंगी अब ये देखें ये इक्वेशन है इसमें से हम नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं ताकि स्टार्ट में ये जो है नेगेटिव uh, ख़त्म हो जाए तो नेगेटिव कॉमन uh, लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म ये नेगेटिव हो जाएगी और भी ये भी नेगेटिव हो जाएगी ठीक है लिख ले टेकिंग नेगेटिव वन कॉमन ठीक है क्योंकि दूसरी साइड पे ज़ीरो है इधर से भी इधर से भी कॉमन ले सकते हैं तो uh, कोई भी जीरो uh, है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने नेगेटिव वन इधर से कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया ठीक है इसके बाद इसके हम पेयर्स बनाएंगे तो फोर एल्फा स्केयर माइनस फाइव एल्फ़ा और प्लस फोर एल्फा आ जाएंगे ठीक है इनको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फोर जार ट्वेंटी ये भी फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी ठीक है और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव एल्फा ही आ जाएगा इसमें से एल्फ़ा कॉमन आ जाएगा फोर एल्फ़ा माइनस फाइव यहाँ से वन कामन आ जाएगा फोर एल्फा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो फोर एल्फा माइनस फाइव और एक में अल्फा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से फोर अल्फा माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और अल्फा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से फ़ोर अल्फा का आंसर फाइव और अल्फा इज़ ईक्ल टू फाइव बाई फोर और यहाँ से सिंपली आ जाएगा अल्फा इज़ ईक्ल टू नेगेटिव वन तो ये दो आंसर्स हैं अल्फा के या तो एल्फा का आंसर नेगेटिव वन है या फ़ाइव बाई फोर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ाइंड अ यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी ए वैक्टर हमें दिया हुआ है और बी वैक्टर दिया हुआ है जब भी हमें कहें कि कोई ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो गया ऐसे प्लेन में हो जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो हमने हमेशा ए क्रॉस बी निकालना है जब भी हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है तो हमने सिंपली ए क्रॉस बी जो है वो निकाल देना है ए क्रॉस बी हमने निकाला और ए क्रॉस बी हमने निकालना कैसे है हमने ऊपर आई जे और के लिखना है डिटर्मिनेंट के साथ और इसमें हम लगाएंगे ए के कंपोनेंट ठीक है आपने ध्यान रखना है इसमें ऑर्डर चेंज होने से आंसर चेंज हो जाता है ए क्रॉस बी का और आंसर आता है और बी क्रॉस ए का अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो पहले आपने ए के लिखने हैं कोफिशंट्स टू नेगेटिव टू एंड फोर और बाद में बी के नेगेटिव वन वन एंड नेगेटिव टू इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर लेंगे ठीक है डिटर्मिनेट को कैसे ओपन करना है जैसे हम बैटरी में करते आए हैं हमने पहले आय लगाया ये रो आय वाली ये कॉलम आ, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम स्किप करेंगे नेगेटिव टू वन और फोर एंड नेगेटिव टू इसी तरह से फिर हम माइनस लगाएंगे जे लगाएंगे जे वाला कॉलम और ये रो नहीं आएगी टू नेगेटिव वन फोर एंड नेगेटिव टू इसी तरह से के वाला कॉलम हम स्किप करेंगे और आई जे के वाली रो भी स्किप हो जाएगी तो टू नेगेटिव वन नेगेटिव टू एंड वन आ जाएगा इसको हमने सिम्प्लीफाई करना है तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा अगर आपको ए, क्योंकि हमने उसका बाद में यूनिट वेक्टर भी पहले अभी हम ये ऐसा वेक्टर निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी जो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है ठीक है अब हमने उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है ठीक है अभी हम सिर्फ ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है आई के साथ इसका हम डिटर्मिनेट ओपन कर लेंगे नेगेटिव टू मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन ठीक है नेगेटिव जे के साथ भी इसी तरह से हम ओपन कर लेंगे टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वन और K के साथ हम ओपन करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस लगाएंगे नेगेटिव टू और नेगेटिव वन आई के साथ आ जाएगा फोर माइनस फोर माइनस जे के साथ आ जाएगा नेगेटिव फोर और पॉजिटिव फोर और K के साथ आ जाएगा टू और ये तीन माइनस हैं तो ये नेगेटिव टू ये देखिए ये आई के साथ भी ज़ीरो आ गया साथ जे के साथ भी ज़ीरो है और ये के, के साथ भी ज़ीरो ठीक है जो भी सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा वही आपने लगाना है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है वो ज़ीरो आई ज़ीरो जे और ज़ीरो के जो है वो बच गया है अब हमारे पास ये ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ए के और बी के अब अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम इस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसको डिवाइड किया जाता है अब पहले मैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगी वो है ज़ीरो स्केयर प्लस जीरो स्कीयर प्लस ज़ीरो स्केयर और इसका स्केयर रूट ऑब्वियसली ये ज़ीरो ही है ठीक अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर हमने निकालना होगा तो हम इसको इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे ठीक है यूनिट वेक्टर required unit vector is equal to this this one is equal to a cross b has 0 i plus 0 j plus 0 k divided by 0 अब आपको पता है कि ये जो zero के साथ डिफाइन करें तो ये जो है infinite समथिंग ओवर जीरो जो है अनडिफाइंड एक वैल्यू आ जाती है ठीक है तो हम कहेंगे कि, कि कोई यूनिक वेक्टर नहीं है हमारा ये एक अनडिफाइंड एक वेक्टर आ गया है ठीक है ये अनडिफाइंड है जीरो के अलावा कोई भी और मैग्नीट्यूट होती तो उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं जीरो ओवर समथिंग कुछ भी होगा आंसर तो हमारे पास जो है एक फ़ाइनाइट वैल्यू आती है लेकिन जब हम जीरो के साथ डिफाइंड करते हैं तो ये अनडिफाइंड वैक्टर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है राइट द वेक्टर पी क्यू पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे इसमें पी हमें पॉइंट दिया हुआ है जीरो एंड फाइव और क्यू पॉइंट दिया हुआ नेगेटिव वन और नेगेटिव सिक्स पहले हमने इसका जो वेक्टर है पी क्यू निकालना है ठीक है हम चाहे पहले ही जो है इसको आई और जे की फॉर्म में लिख सकते हैं आप आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था पी क्यू हमने वेक्टर निकालना है तो क्यू के पोजिशन वैक्टर में से हमने पी का पोजिशन वैक्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है ठीक है ओ पी जो है पी का पोजिशन वैक्टर है ओ क्यू जो है वो क्यू का पोजिशन वैक्टर है अब हम आ, इसको हमें पॉइंट टू क्यू दिया हुआ है नेगेटिव वन और नेगेटिव सिक्स है इसका हम वैक्टर बना लेंगे तो इसका पोजिशन वैक्टर बन जाएगा ये जो है यह है नेगेटिव आई नेगेटिव सिक्स जे ठीक है और जो पी वेक्टर है हमारे पास ये है जीरो आई और प्लस फाइव जे अब आपने इनको ओपन कर लेना ब्रैकेट को नेगेटिव आई और माइनस सिक्स जे माइनस जीरो अगर हम नहीं भी लिखे थे तो इट डजेंट मैटर क्योंकि ये जीरो ही हो जाएगा और ये माइनस फाइव जे आई कंपोनेंट जो है हमारे पास एक ही है नेगेटिव आई और साथ में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये नेगेटिव इलेवन जे तो ये हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ये एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में आ चुका है जो कि है नेगेटिव आई और माइनस इलेवन जे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए

बी का पोजीशन वेक्टर यानी ओ बी फाइंड आउट कर लेते हैं बी पॉइंट है नेगेटिव टू और फाइव तो ओ बी वैक्टर हमारे पास आ जाएगा टू आई प्लस फाइव जे ठीक है और हमने फाइंड आउट क्या करना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू औरिजन ये वेक्टर जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से अब हमें पता है कि ए बी वैक्टर इज़ इक्ल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वक्टर ये हमें पता है कि जब भी हमने ए बी वैक्टर निकालना है तो बी के पोजिशन वैक्टर में से ए का पोजिशन वैक्टर हमने सब्ट्रैक्ट करना है अब हमें ए बी वैक्टर भी दे दिया है ओ बी वैक्टर भी दे दिया है हमने ए ओ निकालना है यहाँ पे ओ ए है आपको पता है जब भी हम इनका जो है वो चेंज करेंगे फर्स्ट uh, uh, इसका जो है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट तो ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा ए ओ वैक्टर जो है दिस वन इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ओ वैक्टर ठीक है या इसी तरह से जब हम ए को लिखेंगे तो या फिर नेगेटिव जो है इधर आ जब भी हम ए बी और बी ए इनको चेंज करेंगे तो इसका सिंपल इसके साथ नेगेटिव आएगा जैसे ए बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ़ बी ए अब हमने इसको चाहे इधर ही लगा लें ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर साथ में ये जब ओ ए वैक्टर है इसकी जगह पे नेगेटिव ए हम लगा सकते हैं हमने क्या किया इसका ये ए जो ए और ओ पॉइंट है वो चेंज कर दिए जिसकी वजह से नेगेटिव सिंबल आ गया अब ये दोनों नेगेटिव मिलेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी प्लस ए ओ अब हमने ए ओ वक्टर निकालना है तो ए वैक्टर निकालने के लिए ए बी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर करना पड़ेगा इस वैक्टर को हम उठा के दूसरी साइड पर ले गए हैं अब हमने ए ओ वैक्टर निकालने के लिए ए बी वैक्टर में से ओ बी वैक्टर सब्ट्रैक करना है ए ओ इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें की बात है ए बी वैक्टर हमारे पास है फोर आई माइनस टू जे ठीक है हमने माइनस लगाया हमारे पास ये जो ओ बी वैक्टर है वह है टू आई प्लस फाइव जे दिस इज़ एवर रिक्वायर्ड वैक्टर काफ़ी सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो ए वैक्टर निकालने की बजाय ओ ए वैक्टर ही निकाल देते हैं लेकिन अगर हमें A का अपोजिशन वैक्टर कहा होता तो फिर हम ओ ए निकालते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फ्रॉम द पॉइंट दिस यानी जो ए से स्टार्ट हो और ओरिजिन की तरफ टू द ओरिजिन ठीक है ओरिजिन की तरफ हमने निकालना है अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये ब्रैकेट ओपन करेंगे फोर आई माइनस टू जे प्लस टू आई और माइनस फाइव जे दिस वन इज़ ए ओ वैक्टर अब आई में से हम आई जो है वो ऐड कर लेंगे आई कंपोनेंट्स को और j कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे फोर और टू हमारे पास सिक्स आई आ जाएगा और ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये सेवन जे दिस वन इज़ ए ओ आवर रिक्वायर्ड वेक्टर यही हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइन द कॉन्सटेंट ए सो दैट द वैक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आर पैरल हमने एक आंसर निकालना है अगर वी और डब्ल्यू वैक्टर्स हैं वो पैरल वैक्टर हों जब भी वैक्टर्स पैरल हों तो इनके आई कम्पोनेंट की जे कॉम्पोनेंट की और के कॉम्पोनेंट की रेशो सेम होती है तो वहाँ से हम आसानी के साथ जो है वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अब इसका जो है कंपोनेंट इनमें से कोई भी वेक्टर हम ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू निकालनी है तो ये इसका मैं इसका आई कंपोनेंट दिस ओवर इसका कंपोनेंट दिस शुड बी इक्वल टू तो इसका जो जे कंपोनेंट है वो नाइन है इसका जे कंपोनेंट नेगेटिव थ्री है इसी तरह से जिसका के कंपोनेंट है नेगेटिव ट्वेल्व है और इसका के कंपोनेंट जो फोर है ये हमेशा इक्वल होगे ठीक है आपकी अपनी मर्जी है इसके सारे ऊपर लगा लेंगे इसके सारे ऊपर लगा लेंगे यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल उनकी कटिंग कर लेंगे नेगेटिव थ्री और यहाँ से फोर ये भी नेगेटिव थ्री यहाँ से a का आंसर जो है वो नेगेटिव थ्री जो कि रिक्वायर्ड आंसर है